Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. तो देखो हमें एच सी एफ यानी कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर और एल सी एम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 20 ये फाइंड आउट करना है. देखो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है बट जस्ट इन केस किसी को थोड़ा सा भी डाउट है कि ये नंबर्स क्या होते हैं तो ये मैं क्विकली बता देता हूँ कि देखो एच सी एफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 6 और 20 को डिवाइड करे वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर हो गया जो इन दोनों को डिवाइड करे. और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए. एचसीएफ इन दोनों को डिवाइड करेगा और एलसीएम इन दोनों से डिवाइड होगा. ओके, अब यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने इसको कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले 6, तो 6 के आप प्राइम फैक्टर कर लो. अगर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि मुझे 6 को मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है. तो इसको देखो, सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है? 2. तो 2 इंटू 3 इज 6, फिर उसके बाद ये 3 पे डिवाइड होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, तो 3 इंटू 1. तो जब 1 आ जाए तो हम इसको रोक देंगे. तो अब 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, राइट? अच्छा, इसी तरह से 20 को भी सबसे पहले देखो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा जो इसको डिवाइड करता है. ये इवन नंबर है तो 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 क्योंकि 2 एक क्या है, प्राइम नंबर. तो यहाँ आ गया 10. ये फिर से 2 पे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5. उसके बाद ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5. तो ये 5 पे डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा 1. तो 20 को अब मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, यानी कि 6 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1, राइट? इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है. और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1, यही लिख सकता हूँ. अब देखो LCM और HCF निकालने का ना बड़ा आसान सा तरीका होता है. मैं इसको ना एक काम करता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ. मैं इसको जस्ट इन केस आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो आप इसको ऐसे लिखो 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1, और इसको भी लिखो आप 2 to the power 2. अब ये देखो कि इसमें 3 एक प्राइम फैक्टर है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 3 to the power 0, है ना? अब इसमें 5 एक फैक्टर है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 5 to the power 0. कोई हर्ज तो नहीं है ऐसे लिखने में, राइट? 3 to the power 0 क्या है? 1. 5 to the power 0 क्या है? 1, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ इसको दोबारा लिखता हूँ कि 6 मेरा हो गया 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 0, और 20 को मैंने लिख दिया 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 0 इंटू 5 to the power 1. देखो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाता है. अब जैसे हमें HCF निकालना है तो मैं यहाँ पे HCF लिखता हूँ, ठीक है? ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. तो HCF क्या हो जाएगा? इन दोनों का वो वाला नंबर जिसकी पावर सबसे कम हो, तो वो हो गया 2 to the power 1, ठीक है? फिर इन दोनों में 3 वाले में जो 3 प्राइम फैक्टर है उसमें सबसे कम पावर किसकी है? इसकी, यानी कि 3 to the power 0, और इसमें सबसे कम पावर किसकी है? यानी कि 5 to the power 0. तो ये कितना हो गया? 2 into 1 into 1, विच इज़ इक्वल टू 2. तो 2 इज़ द आंसर. तो बेसिकली हमने इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं, इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं छोटी पावर वाले वो निकालने, तो वहाँ से मुझे HCF मिलेगा. अब मैं बात करता हूँ LCM की. LCM में बड़ी पावर वाले निकालने हैं, तो यहाँ पे 2 to the power 1 तो हमने HCF के लिए ले लिया था, तो 2 to the power 2 जो है वो LCM के लिए आ जाएगा. इसी तरह इन दोनों में 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 to the power 1. 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 5 to the power 1. तो ये कितना आ जाएगा? 4 into 3 into 5, विच इज़ इक्वल टू 60. तो 2 and 60 इज़ द आंसर. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.